नमस्कार आई एम हैप्पी टू बी हेयर टुडे इन रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी आसाम आज हम uh, एक सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे एंड आई एम श्योर यू विल ऑल लाइक

क्या आजादी के दायरे तय होना जरूरी नहीं हर किसी की जिंदगी में आजादी के अपने मायने होते हैं लेकिन क्या वाकई आजादी का मतलब केवल मन मर्जी से जीना है आजादी केवल एक शब्द नहीं है इसमें संघर्ष छुपा होता है संघर्ष जो बढ़ा होता है उम्मीदों से सकारात्मक विचारों से सही मायनों में आजादी का मतलब आजाद सोच है एक ऐसी सोच जिसमें अपनी बात कहने से डर ना लगे एक ऐसा माहौल जो हमें गर्व महसूस कराता है क्या लगता है आपको आज हम कहने को हम सत्तर वर्ष हमको हो गए बहत्तर वर्ष आजाद हुए देश को बट डू यू थिंक रियली पीपल ऑफ दिस कंट्री दैट सर इंडिया इज़ फ्री फ्राम एक्सटर्नल डोमिनियन बट स्टिल टुडे आज भी मतलब महिला डरती है घर से बाहर निकलने के लिए दे फील ट्रैप्ड। यस। एंड सर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है सर पीपल यूज इट वेरी डिफरेंटली आर मींस आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मतलब कुछ भी बोलते हैं सर मेरे हिसाब से फ्रीडम जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है और जिनों नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है जैसे दर गेटिंग freedom to uh, do whatever they want for jihad, which is useless. Sir. Ah. and uh, the rapists are free uh, free to move in the roads. Ah. and um, all the social issues which we have right now, And kisko freedom, ni milra, unko to mil gaya freedom aap, Sir, women, hmm. children, education, everything, sir, we are not getting a freedom, sir. sir, nothing has changed for the underprivileged. Ah. the right to live, life.

सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी आत्मा शक्ति हमें खुद कितना फ्रीडम दे रही है हमारे सोच को कितना नियंत्रण कर रही है हमें आपसी संबंध बनाने में कितना सह दे रही है ये चीज़ देखा जाए और सबसे ज़्यादा आत्मा शक्ति तब बढ़ती है जब हमारे अंदर की इच्छाएँ कम हो इसलिए अगर जब तक कि हमारे अंदर की इच्छाएं जितना कम हो उतना ही हमें मोक्ष मोक्ष मीन्स मुक्ति मिलती है भारी चीज़ों से freedom is like state of mind. well, you are very right. you are, you are right in, the, in a particular sense. <laughs> sir, i believe that in some cases sir, the society is holding our freedom down, sir, because we, uh, as indians we have the freedom. women have the freedom to move around wherever they want, wherever they want to go. we actually have the freedom, but we are not able to move forward because of our society for example sir uh, recently the movie Padmawati was uh, released but they had to change the name to Padmawat because the rajputs in rajasthan they felt offended by it sir then they also didn't release the movie in that state i believe that the they will argue that it is their freedom of freedom of expression exactly sir there are uh, some, uh, some cultures like they are uh, blocking us from expressing our freedom sir yeah <laughs> Just freedom maximum freedom यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं आदमी लोग इन इंडिया आई हैव सीन आप बहुत सा कंट्री में गया है कहाँ इतना फ्रीडम है फ्रीडम का मतलब अगर नहीं समझते हैं जैसे बोला खाने को लिए नहीं मिल रहा है उसका इनकम करने का फ्रीडम है वो हम लोग से बात करने का फ्रीडम है प्राइम मिनिस्टर से बात करने का फ्रीडम है बोलने का फ्रीडम है ये बात नहीं है कि एक फ्रेमवर्क का भीतर में रह के कॉन्स्टिट्यूशन का भीतर में जो नियम है उसका भीतर में रह के जो एंजॉय करना चाह रहा है वो वही फ्रीडम है मैक्सिमम फ्रीडम आर यूजिंग बाय

हमारी जो विचार हैं भारतीय जो पुरानी हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके जो विचार है उससे हमको आज़ादी बहुत जरूरी है प्रोग्रेसिव सोच होना बहुत जरूरी है तभी हम सही मायने में आज़ादी हासिल कर सकेंगे सर वन हैव हैव एवरीथिंग दैट मींस वन लॉट्स ऑफ वन हु इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स that uh, the his life will uh, miser miserable means, ki, means uh, if dependence he has on others is not a freedom yes very right so anyway agham chalte his this. dictionary meaning is simply that if you are not slave to something you are free freedom means being not a slave that's the dictionary meaning लेकिन आज जो जितनी बातें कही हैं यहाँ सब सबने एक्सप्रेस किया है हर एक का अपना अपना व्यू है अपना अपना, अपना इंटरप्रटेशन है अब मैंने इसको आई हैव ट्राइड टू समराइज ऑल दीज थिंग्स विच यू हैव एक्सप्रेस हियर इन फ्यू थिंग्स एर स्लेवरीज इन वर्ल्ड आर टू टाइप आपके अंदर यू आर नॉट एबल टू सेलेक्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न जैसे वट ही सेट के गरीब आदमी को खाना क्या चाहिए वो सेलेक्ट करने की उसकी पावर नहीं है वो सेलेक्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि उसको जो मिल रहा है वो खा ले तो खा ले नहीं तो भूखा रहे सो इट्स अ स्लेवरी ऑफ ए काइंड के ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड सेलेक्ट व्हाट ही वांट्स व्हाट ही डजन वांट व्हाट शी वांट्स व्हाट शी डजन वांट सो नॉट बीइंग एबल टू सेलेक्ट समथिंग इफ दी girl was saying here that society decides for me. if she is not able to decide what i want to wear, what education i want to take, somebody else thrust upon me, that is also a kind of lack of my decision-making power. so that is a, one kind of slavery. due to any reason, it could be because of economic reason, it could be due to lack of opportunities,

So there is, there is a slavery of both kinds, having nothing, having very little, or having too much. Both of these things are, in a way, slavery. Now, these are also two kind of selection. Selection also of two kinds. One is socio-political, freedom of speech. You said, somebody said something else. These are... सोशो पोलिटिकल इशूज़ फ्रीडम ऑफ़ स्पीच है कि नहीं है मैं नाराबाजी लगा सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ अपना व्यू एक्सप्रेस ओपनली विदाउट फ़ियर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ एंड सेकंड इज़ मटीरियल वर्ल्ड इकोनॉमिकल वर्ल्ड गरीब आदमी को आज के दिन देश के छः मिलियन लोगों के पास खाने के लिए सलेक्शन नहीं है इतने ही लगभग लोगों के बच उनको ये सिलेक्शन करने की पावर नहीं है कि वो अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजें कैसी शिक्षा दें वो उनको कहाँ बेचारों को पता है फ्रीडम के मायने क्या है सोशल पॉलिटिकल में ऐसे इश्यूज हैं कि गरीब आदमी जो गांव में है या शहर में भी है उसको अमीर आदमी दबाता है या पावरफुल जो आदमी है वो दबंगी करता है कर, गरीब आदमी के साथ कहाँ हुई सोशल फ्रीडम नहीं हुई अगर सोशल इनिक्वालिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में दे आर प्रॉब्लम्स सो इन अ वे मेरे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू टोटल फ्रीडम ऑफ एवरी काइंड, स्पीकिंग अर्निंग यू डू वट यू वॉन्ट टू डू एज लॉन्ग एज यू रिमेन विद इन दी लीगल फ्रेमवर्क बट ट्रूथ में देश के लोगों को फ्रीडम मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि शायद 10, 5, 15, 20 मिलियन लोगों को फ्रीडम ट्रू में मिला होगा इस देश में बाकी लोगों को फ्रीडम ट्रू में नहीं मिला चलिए इसके साथ ही एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा फिर उसके बाद लौटते हैं थैंक यू जब ये दसवीं क्लास बारहवीं क्लास पास किए फादर से झगड़ा हो गया फादर ने कहा नहीं तुमको साइंस में जाना है इन्होंने बोला नहीं मेरे को साइंस में नहीं जाना झगड़ा बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ा कि बरुआ जी ने तय कर लिया कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे चलिए वेलकम बैक हमारे बीच में आज मैं एक मेहमान को मिलाना चाहूँगा आपको मिस्टर रंजन कुमार बरुआ यू लाइक टू वेलकम मिस्टर बरुआ ही इज़ अ नेशनल यूथ अवार्ड रेसिपियन एंड कैम आई एज फाउंडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूथ फेडरेशन फाउंडेशन बरुआ जी आपका स्वागत है वेलकम सर आपने आसाम में युवकों को जैसा एक यंग गर्ल कह रही थी कि मेरे को डिसीजन करने का नहीं होता है कारण क्या हूँ मैं तो डिसाइड नहीं कर पाती हूँ इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जब ये दसवीं क्लास बारहवीं क्लास पास किए फादर से झगड़ा हो गया फादर ने कहा नहीं तुमको साइंस में जाना है इन्होंने बोला नहीं मेरे को साइंस में नहीं जाना और रिजल्ट झगड़ा बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ा कि बरुआ जी ने तय कर लिया कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे क्यों सो गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर बरुआ आप क्या कहना चाहेंगे आपको कैसा एक्सपीरियंस कब से कर रहे हैं ये सब I uh, started since 1999 when I passed uh -huh. out class 12. पहले जब था class 10 में I was not good in studies but I made ना तो अच्छा नहीं था but at least आप first, admit करते हैं कि you not first division for. but not less than uh, at least first division but not not a very brilliant one. हाँ uh -huh. उसके बाद a uh, lot of my friends uh, because we uh, I said to my father I am going to arts humanities मुझे पढ़ना है लेकिन बोला नहीं उसके बाद तुम को science पढ़ना है first division तुम तो मिला है तो तुम तो go तो for science uh -huh. नहीं तो even funding will be stopped. ओह ही तो उपाय नहीं funding पैसा नहीं मिलेग सो दे सम हाउ येस क्लास इलेवन एंड ट्वेल्व आई कंटिन्यूट इन साइंस उसके बाद दे आई डिसाइडेड नहीं मुझे और आगे नहीं जाना है बिकॉज आई वोट भी एबल टू पास एटलीस्ट बस सी में श्यूर आई एम गोइंग टू फेल सो दैन आई केम डाउन दू ह्यूमेनिटीज़ बट प्रॉब्लम वॉज दियर कि जो सर बोल रहे थे फ्रीडम के बाद कैरियर फ्रीडम ऑफकोर्स कपल ऑफ माई फ्रेंड्स दे बीकम डॉक्टर्स दे बीकम इंजीनियर्स आईदर बी सी ए और बी एस सी मोस्ट ऑफ दैम एट नाइन्टी परसेंट वेयर इन साइंस ओनली फ्यू वेर इन ह्यूमिनिटीज़ सो लाइक दैट पेरेंट्स प्रेशर तो पापा को कोई आके पूछते आपका बेटा क्या कर रहा है जब बोलता है बी ए पढ़ रहा है तो थोड़ा सा हट जाता है

आई डू सम्पेशल ओके देन योर पेरेंट्स और समे सब क्या कर रहे हो ये तो मतलब दुनिया क्या कहेंगे मतलब रिलेटिव क्या कहेंगे मतलब उनका क्या जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ मतलब मुझे यही गुस्सा आता है अरे मैं जो कर रहा हूँ मेरे को करने के लिए क्यों नहीं देगा तो ये चेंज कैसे लाया जाए ये चेंज कैसे लाया जाए बताइए सिंपल में मैं तो बोलूंगा तुम कि दुनिया जाए बाहर पे मुझे आगे बढ़ना है बेस्ट थिंग एंड इट्स इट्स ऑल इम्पोर्टेंट इन लाइक फ्यू ईयर्स बैक वी डिड नॉट हैड टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास जो प्रोजेक्टिविटी नहीं थे उतना के वी कुड गट इन्फॉर्मेशन नाउ इट इज एटलीस्ट वी हैव द टूल्स वी हैव सो वी कैन सी वी कैन इवन कर द डिजिटल एक्सपोजर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है बट इफ़ यू हैव द फ्रीडम विद इन माई सेल्फ इफ आई हैव फेथ ऑन माई सेल्फ दैट आई कैन डू समथिंग मैं कुछ कर सकता हूँ तो दुनिया को इतना जुनून हम लोग का जो फिल्में में हम लोग थ्री इडियट्स में देखते हैं जो वट एवर आई वॉन्ट टू डू जो मुझे अचीव करना है आई थिंक अगर सही सभी सभी लोग थोड़ा सा भी कोशिश

थिंग बैड नथिंग फिजिकल बट इन्स्टेड माइंड आर्ग्यूमेंट डिबेट्स क्या होगा क्या होगा मैं बोला अभी आई कैनोट सो यू नाउ गिव मी फ्यू मोर इस अभी लेकिन अभी आपके पिताजी लेट सपोजानगर माई मोम डे डूट कॉल मैं तुम्हारा ट्रेन का टाइम हो गया तुम क्यों नहीं जा रहे हो अभी तक अभी क्या है सर वन क्वेश्चन आपने कहा कि आपने चालीस हजार स्टूडेंट्स को काउंसिल किया राइट बट सर अगर हम आपका एग्जाम्पल ले तो आपके पेरेंट्स अगेंस्ट थे आपके प्रोफेशन के तो सर ऐसा नहीं लगता कि हमें पेरेंट्स को भी काउंसिलिंग देनी चाहिए इस बारे में

आज आप यहाँ पे हज़ार लोग बैठे हैं हम हम सब के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है उसको पहचानने की आवश्यकता है और पहचाने का कौन आप खुद पहचान सकते हैं और उसमें अगर खुद निर्णय करेंगे तो अच्छा रहेगा मुझे लगता है कि यहाँ अगर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं अगर उनसे मैं पूछूँ ईमानदारी से बताइए तो आप में से आधे लोग कहेंगे क्योंकि मेरा दोस्त जा रहा था इंजीनियरिंग करने के लिए इसलिए मैं भी इंजीनियरिंग में आ गई मेरा दोस्त एम करने के लिए जा रहा था तो इसलिए मैं एम कॉलेज में चला गया है कि नहीं तो पीयर प्रेशर कहिए या भेड़ चाल कहिए मैं मैंने ऐसे लोगों को भी देखा आधी उम्र हो गई तीस साल शादी हुए को हो गए चालीस साल शादी हुए को हो गए फिर पूछते हैं पता है नहीं मैंने शादी क्यों की अरे भाई तब सोचना था अरे सोचना क्या था तब मेरे बाप ने की दादा ने की सब ने की सारे आसपास करते इसलिए मैंने भी किया पूछते नहीं हैं भेड़ चाल है जिसकी वजह से तकलीफें जिंदगी में ज्यादा आती है सर जैसे तोनमो ने अभी आपसे पूछा आपने बोला दुनिया जाए भाड़ में तो सर हम आगे तो बढ़ जाएंगे लेकिन सब पीपल्स के रिलेटिव्स के अलग अलग रिएक्शंस आते हैं सर सर जिससे हम लोग सब पीछे मुड़ जाते हैं पीछे मुड़ के देखने मतलब रुक जाते हैं सर उस जगह सर उससे कैसे बचे सर अलग अलग रिएक्शन से कैसे बचे at, किसी का नहीं सुना वो जो भी बोले मैं तुम लोग बोलो यू आर हैप्पी मैंने तुमको कुछ बोल रहा हूँ नहीं बोला तो तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाला <laughs> तुम अपना जगह सही हो मैं अपना जगह सही हूँ हाँ प्रॉब्लम होता है बिकॉज इनिशियल टाइम इज वेरी डिफिकल्ट बट यू हैव टू हैव फेथ एंड यू लिसन बेटर यू कीप क्वाइट एंड कीप डूइंग योर थिंग आप जो काम करना चाहते हो उसको कंटिन्यू करो लेकिन थोड़ा सुनो इधर यू हैव टू लिसन बट दैट डजेंट मीन दैट वी हैव टू रिएक्ट हम लोग भी रिएक्ट करेंगे तो उसका और मेरा डिफरेंस नहीं होगा और जो सही आदमी है बेस्ट फॉर आई हैव सीन इज पीपल हु आर पॉजिटिव विल नेवर डिसकरेज यू पीपल विथ लिटिल बिट निगेटिविव जो खुद फ्रस्ट्रेटेड है खुद का कॉन्फिडेंस लो है वो दूसरे को थोड़ा नेगेटिव बोलेंगे बट एनी पॉजिटिव पीपल बिकॉज आई हैव गट मेनी ऑफ माई फ्रेड्स इतना दोस्त था एक दो बार हम लोग को कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था आई टेल यू सर पर्सनल एक्सपीरियंस आई सपो एशियन सोशल फोरम इन हैदराबाद तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स सेट आई एम वेरी आपसेट तो वाई यू आर आपसेट ना आई वॉन्टेड टू गो लेकिन फादर से तो ऑलरेडी पेरेंट्स का मानी कट डाउन है तो ये नहीं है एंड द बेस्ट पार्ट आई थिंक विद इन वन आवर दे हैव मोबिलाइज एंटायर माई ट्रेन फेयर जाने का बोल ये लो तुमको जाना है बिकॉज वी नो वॉट यू आर डूइंग So so uh, uh, as well as we we रेक्टर नहीं होना है क्योंकि जनरली हम लोग जब माइक में कुछ बोलते हैं भाषण देते हैं एक अपना करेक्टर होता है और घर में जाके इन सोसाइटी वी परफॉर्म समथिंग डिफरेंट। सो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा लेट अस बिकम वेरी मच एथिकल, सही होना है और जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है लेट अस नॉट एक्सपेक्ट कि मैं भी उसको करूं। एंड अभी जो यंग पीपल है बहुत से स्टूडेंट हैं मैनी ऑफ आस व्हेन वी ड्रॉ सम गुड पिक्चर्स वी विल ड्रॉ ब्यूटीफुल सीनरी विद ब्लू लाइक वॉटर एंड ब्यूटीफुल some of us, when we go later and join some corporate others, let us not destroy the climate or destroy the environment. so let us become a person of ethics, let us become a person of integrity, and let us do what we believe in. and uh, i believe everyone should be vigilant uh, because eternal vigilance, i believe eternal vigilance is the price of liberty. very yeah. good. Thank you. <laughs> काउंसलिंग का करते हुए बहुत साल हो गए आज भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हैं क्योंकि गांव में गरीब लड़के से लड़की से जब ये काउंसलिंग करते हैं उनसे पैसा चार्ज नहीं करते जो स्टूडेंट जो युवा कुछ पैसा दे सकता है जितना कुछ उसके देने की क्षमता है वही लेते हैं आज भी उनके पास अपनी कार वगैरह नहीं है तो क्यूडोज तो टू रंजन बरुआ थैंक यू वेरी मच छोटा मी विशेष थैंक यू थैंक यू मैंने देखा है कि आपके पास पिचहत्तर प्रतिशत महिलाएँ जो बेनिफिशरी हैं दे आर इलिटरेट एंड बिलोंग टू द लेबर क्लास तो ये बताइए आज आपको आपको किस प्रकार की अभी समस्या क्या है <प्रुण> देखिए अब आप इस सब्जेक्ट पे आए एक यंग गर्ल हैड सेड कि जितनी आपकी इच्छाएं कम होंगी जितनी अपेक्षाएँ कम होंगी उतना ही आपको दुनिया में दुख कम होगा उतना ही आपको मटेरियल चीज़ों के प्रति स्लेवरी नहीं होगी उसकी डिमांड आपके मन में है ही नहीं तो उसको खोने का या ना मिलने का दुख नहीं होगा और उस वक़्त आप अपने आप को फ्रीडम महसूस करेंगे इस विषय पर अगर अध्यात्म की तरफ चले जाएं तो बहुत कुछ इस बारे में बात की जा सकती है बहुत कुछ बात की जा सकती है मैं चार छः घंटे आठ घंटे भी कम पड़ेंगे लेकिन इससे पहले मैं आज आपको एक ऐसी महिला से मिलाना चाहता हूँ जो कि आसाम की एक मैं कहूँगा कि लोअर मिडिल क्लास घर से आई एक बैंक में कर्मचारी थी इन्होंने बैंक में काम करते करते देखा कि किस प्रकार से महिलाएं क्योंकि जो इलिट्रेट हैं जो बैंक में आती हैं या नहीं आ पाती हैं उनको बैंकिंग सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है तो इन्होंने बड़ी हिम्मत करके केवल आठ लाख साठ हज़ार रुपये की राशि अपने दोस्तों से इकट्ठी की और उससे इन्होंने एक कोऑपरेटिव बैंक चालू किया आज छत्तीस हज़ार महिलाओं के अकाउंट इनके पास हैं और गरीब महिलाओं की मदद करती हैं आइए मैं बुलाता हूँ लखीनी बरुआ तो तो जी फाउंडर ऑफ कॉनोकोलता वुमेन कोऑपरेटिव बैंक आपका स्वागत है इस शो में समाज के लिए कुछ करने की चाह हो तो राहें अपने आप मिल जाती हैं इस बात की मिसाल है लक्ष्मी बरुआ लक्ष्मी बरुआ वो शख्सियत हैं, जिन्होंने ऐसी महिलाओं का दुख समझा जो अशिक्षित हैं। और करीबी से मजबूर है आप एक बैंक में काम करती थी आपको महसूस हुआ कि कैसे अशिक्षित और गरीब महिलाएं बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाती जोरहाट शहर में पनोक लोता महिला अर्बन की नींव रखी साल 2000 में बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिला इन महिलाओं की कमाई का घर के सदस्य गलत इस्तेमाल कर देते थे आपने और बैंक के दूसरे कर्मचारियों ने महिलाओं की समस्याओं को समझा और उनको आर्थिक तौर पर मजबूत किया वो अकाउंट खोलने में बहुत समस्या आते हैं इसलिए हम लोगों ने उसी समय हम लोगों ने सोचा कि आ, आगे से ही सोचा था लेकिन उसी समय हमने सोचा कि अवश्य अच्छा एक बैंक महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाओं के लिए होना चाहिए आपके प्रयास से बना नॉर्थ ईस्ट का यह अकेला बैंक है जो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करता है आपके बैंक में करीब पिछहत्तर प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित और श्रम वर्ग से जुड़ी हैं, जिनको बैंक से मदद मिलती है बैंक में पच्चीस हजार से ज्यादा खाते और तीन जिलों में चार शाखाएं हैं यही नहीं आपके बैंक की योजनाओं से तीन से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फायदा हुआ है यहां हर दिन ढाई से अधिक ग्राहक आते हैं साल 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंक को नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा लखीमी बरूहा जैसी महिलाओं की पहल ही समाज की कमजोर महिलाओं को एक नई पहचान देती है तो ये बताइए आज आपको बैंक चलाते हुए लगभग उन्नीस में आपने शुरू किया 98 तो आज लगभग लग आपको 20 वर्ष हो गया हो गया सर तो 20 साल में आप जहां पहुंची हैं चौदह करोड़ का डिपॉजिट आपके पास है आपने 700 से अधिक हाँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के उनको मदद किया है आपको किस प्रकार की अभी समस्या क्या है अमी একেবাৰে নিম্ন নিম্ন শ্ৰেণীৰ মধ্যবিত্ত আৰু নিম্নবিত্ত মহিলাসকলক লৈ পেলাই আমি এটা কনকলতা মহিলা আৰ্বান কপাৰেটিভ বেংক নামেৰে এটা বেংক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ যোৰহাটত সেই বেংকটো এইটো কাৰণেই আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে যে মহিলাসকলৰ কাৰণে সঞ্চয় কৰাৰ কোনো উপযুক্ত সুবিধা পোৱা নাযায় আৰু মহিলাসকলৰ হাতত কমকৈ হ'লেও বহুত সম্পদ থাকে সেই সম্পদখিনি একত্ৰিত কৰিলে আমাৰ যি অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতিত এটা বুজন পৰিমাণৰ অংশত আহে গতিকে আমি মহিলাসকলৰ হাতত থকা সেই সম্পদখিনি যাতে অপচয় নহয় তাৰ সঠিক সঞ্চয় হৈ অৰ্থনীতিলৈ আহে আৰু মহিলাসকলৰ অৰ্থ সামাজিক দিশত যাতে মহিলাসকলৰ উত্তৰণ ঘটে কাৰণ মহিলাসকলক যিখিনি বেংক বেংকৰ ব্যৱস্থা আছে সেই বেংকৰ ব্যৱস্থাই মহিলাসকলক যদি তেওঁলোকে ঋণ ল'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ঋণ দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰে আনকি এটা একাউণ্ট খুলিবলৈ গ'লেও তেওঁলোকৰ সেইখিনি সুবিধা তেওঁলোকে নাপায় তেওঁলোকৰ মনৰ কথা খুলি ক'ব নোৱাৰে আৰু আমাৰ ডাঙৰ কথা হৈছে কি আমি নাইণ্টি ফাইভত পঁচানব্বৈ চনত আমি কিছুমান আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰিছিলোঁ সেই আত্মসহায়ক গোটবিলাক গঠন কৰি আমি বেংকত তেওঁলোকৰ একাউণ্ট খুলি দিবলৈ বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে আমি আপনে মুঠে বতা থাকি য' প্ৰব্লেমছ হে একো ইনকি ৰিজাৰ্ভ বেংক যিহেতু তীন ডিষ্ট্ৰিক্ট বাহাৰ ব্ৰাঞ্চিছ খোলনে কা পাৰ্মিশ্যন নাই দে क्योंकि इनका डिपॉज़िट अभी कम है और दूसरा जितने भी सरकार के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में जाते हैं तो इन्होंने दो बातें कही हैं हमें उस पर हम जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं कम से कम असम गवर्नमेंट को तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे आपके बारे में और यहाँ पे भी जो उपस्थित लोग हैं आपने समझा होगा उनकी क्या समस्या उसमें जो भी मदद कर सके प्लीज़ कम फॉरवर्ड टू हेल्प थैंक यू आप इधर आए आज अच्छा काम आप कर रही हैं महिलाओं के लिए उनका मैंने देखा है कि आपके पास 75 uh, प्रतिशत महिलाएँ जो बेनिफिशरी हैं दे आर इलिटरेट एंड बिलोंग टू द लेबर क्लास एंड आउट ऑफ दैट सिक्सटी फाइव परसेंट जो लोग हैं इनके कस्टमर वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी क्लास से yes. हैं जी. आप अच्छा काम कर रहे हैं उसको करिए हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा आप लोग थैंक यू था हमें। Thank you. हाँ जरूर थैंक यू वेरी मच तो देखिए इस प्रकार के लोग हैं हमारे समाज में जो लोग मदद करते हैं जो अपनी फ्रीडम की अपनी चिंता नहीं करके देश और समाज की चिंता करते हैं उनको फ्रीडम देने के प्रयास करते हैं एक्चुअल में तो सही में माने कुछ लोगों को बुरा लगेगा जो आज यहाँ बैठे हैं या जो लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा कंप्लेंट करने वाले कौन होते हैं जिनके पास ज़्यादा होता है वही हम सबसे ज़्यादा शिकायत सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं देश में सरकार ने ये नहीं किया उसने ये नहीं किया सबसे ज़्यादा शिकायत करेंगे तो हम लोग ही करते हैं तो खैर ये सच्चाई है और ड्रीम्स हमारे जितने कम होंगे उतनी ज्यादा हमें फ्रीडम मिलेगी उससे हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ये बात सही है इसलिए इसलिए कहा साई इतना दीजो मती मूड समाए। मैं भी भूखा भूखा ना रहूं साध ना जाए। इसके साथ आगे चलते हैं अभी तक जो चर्चा हुई इसमें आपके कोई क्वेश्चंस? सर आपने कहा एक्सपेक्टेशंस और ड्रीम्स हमारे जितने कम होंगे उतनी ज्यादा हमें फ्रीडम मिलेगी अपने अंदर की अपने अंदर की तो सर उससे हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम जहाँ हैं हम वही रह जाएंगे ये बात सही है इसलिए इसलिए कहा एक कहावत है कि साई इतना दीजो मती मूड समाए मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए कि हे भगवान मुझे इतना दीजिए कि मेरा जो जितना मेरे मेरा दिमाग खराब ना हो जाए ज़्यादा पैसा आने पर ज़्यादा धन आने पर ज़्यादा वैभव आने पर कई बार मनुष्य में घमंड आ जाता है अहंकार आ जाता है तो इसलिए कहा कि मुझे अहंकार ना आए इतना दीजिए और मेरी साध से मतलब नहीं साधु नहीं मेरी लेजिटिमेट इच्छा जो है वो भूखी ना रहे इलेजिटिमेट इच्छा तो बहुत हो सकती है आपकी तो इसलिए ये मांगा गया ये बैलेंस है लाइफ का Sorry. हम लोग जब कैरियर चूज करते हैं तब ऐसा भी होता है कि हम लोग का जो ठीक लगता है वो ठीक नहीं भी हो सकते हम लोग के लिए मतलब जैसे कि हम लोग को लगता है कि हम लोग साइंस स्ट्रीम में जाकर एक्सेल कर सकते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स बोल रहे वो भी ठीक हो तो हम लोग कैसे मतलब म्यूचुअल डिसीजन करके कैसे राइट पथ पर जा सकते हैं आपका क्या नाम है द प्रॉब्लम रियल क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम वो क्या है हमको जो इग्नोरेंस है हमारा जो इग्नोरेंस है दैट इट्स सेल्फ इज नॉट एबल टू मेक अस डिसाइड वेदर आई एम फ्रीडम और आई डोंट हैव फ्रीडम इग्नोरेंस फ्रॉम वेरियस थिंग्स लाइक शी इज जस्ट सिंपली सैड आई एम नॉट श्योर मे बी माई पेरेंट इज केपेबल टू गिव मी गाइडेंस प्रॉपरली बट लोड ऑफ डिस्कशन वी एव हैड इन लास्ट वन आवर इग्नोरेंस अबाउट आवर सेल्फ इग्नोरेंस अबाउट वट इज़ दाइट वट इज़ रॉन्ग इग्नोरेंस अबाउट वट इज़ ह्यूमन बिहेवियर हाउ आर वी बिहेविंग बेसिकली हम जानते नहीं कि हम खुश कैसा रह सकेंगे प्रसन्न कैसे रहना ये तो बात सब मानते हैं कि मिनिमम डिजायर विल अट्रैक्ट मिनिमम एंगर and minimum displeasure but that will stop your progress your economic progress your social progress your everything so that is also bad but at the same time if we will know where to stop and what to do and where to go and where not to go that will my friends will come out of practice out of your knowledge which your institutions like this are giving you

और मैं एक बात और साथ में ऐड करूँगा कि अपने आप पर भरोसा रखिए हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ इन योर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल मे बी योर गट विल बी टेलिंग यू बेटर देन वट रंजन बरुआ विल टेल यू और या इट इज इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल बट समटाइम वैन वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउ अवर सेल्व देन ओनली वी गेट इन टू दिस काइंड ऑफ अ मूड एंड वी बिकम अनहैप्पी And any unhappy person will never feel freedom, freedom from miseries, freedom from bondages of different kind of society, bondages from my own vikaras, sanskaras, sankharas, whatever you call it. That is what truly meaning of freedom. But in the socio-political, in material world, your ability to be choose whatever is the best for yourself. Itself is a feeling of freedom which all humans should have, and that's our prayer to Almighty God and to the humanity. Thank you very much. Jai Hind Subhash Chandra Shomade Bhagyanya Sati SC show at subhashchandra.com. Where mail kara kima SMS <laughs> kara SC show space dia apla <laughs> prashna liha ani patwa pat saad pat